ये प्रोफेशनल लेंस होते हैं ना, 90% ये 2.8 के लेंस होते हैं जो यूज़ करते हैं ये लोग। आपने अक्सर, आपने भी देखा होगा कि जब वो शादी वगैरह में पिक्चर्स ले रहे होते हैं, ये लेंस होता है या ये लेंस होता है। ये हमारे पास पहला लेंस जो है वो 70-200 है, 70-200। वही कैनन की अपनी कंपनी का ही है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद दानियाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फॉर्मेशन पीके। भाई बहुत सारे सवाल थे कैमरा लेंस के हवाले से। पिछली वीडियो, प्रीवियस वीडियो जो हमारी थी, उसमें भी जो है काफ़ी सारे लोगों ने सवाल किया था कैमरा ब्लर करता है या लेंस ब्लर करता है। तो आज हमने हाशमी भाई के पास विजिट किया है, जिनकी सदर में शॉप है वसी संत के नाम से। उनसे आज जो फुल इन्फॉर्मेशन लेंगे लेंस के हवाले से, कि कौन सा लेंस किस में लगता है, कितने mm का होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हमें हाशमी भाई देंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहे। आइए हाशिम भाई से पहले तो पूछते हैं कि उनके पास कौन कौन से लेंस अभी अवेलेबल हैं और मतलब किस प्राइस रेंज के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप, खैरियत से? जी हाशिम भाई, अल्लाह करम। हाशिम भाई, सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को आप ये बताइए कि जो आपके पास जो लेंस हैं वो किस रेंज में, एक रेंज बताइए। देखें, लेंसेज जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं उनमें एक एवरेज 10,000 तक की है। जैसे आपका ब्लर लेंस है 50 mm कहलाता है, वो स्टार्ट होता है, अगर चाइना का आप लेते हैं तो 7-8 हज़ार का इस वक्त मार्केट में यूज़ में मिलेगा आपको। नया इस वक्त मार्केट में नहीं है, आजकल क्राइसिस चल रहा है, आपको पता है कोविड-19 के हिसाब से। तो इस हिसाब से जो है हमारे पास अभी यूज़ रखे हुए, तो हम वही दिखा देते हैं आपको, उसी से आपको बता देंगे, नए के बारे में भी थोड़े मालूम दे देंगे। तो हाशिम भाई, भी प्राइस की तरफ चलें हम? जी बिल्कुल, प्राइस की तरफ चल जी। हम सबसे ज़्यादा जो हमारी डिमांड है ना, उन लेंसेज से स्टार्ट करते हैं। जैसे 50 mm लेंस हमने ये रखा हुआ है, ये निकॉन का 50 mm लेंस है। सही। ये लेंस जितने भी यानी कि फोटोग्राफर हैं या आजकल लड़के बहुत शौक से यूज़ कर रहे हैं ब्लर करने के लिए बैकग्राउंड, तो इसमें यूज़ होता है ये पीछे बैकग्राउंड ब्लर करने के इस्तेमाल में आता है। सही। और इसके बाद ये निकॉन कंपनी का है, इसी के बराबर में हमारे पास यही 50 mm जो है ब्लर करने के लिए कैनन कंपनी का रखा हुआ। अच्छा, हाशिम भाई की बात करता हूँ, जो निकॉन कंपनी का जगह रखा है, इसके प्राइस क्या है? इसके प्राइस जो है, ये इसमें एक डी मॉडल आता है और एक जी मॉडल आता है। डी मॉडल इस वक्त मार्केट में जो चल रहा है 12-13 हज़ार का चल रहा है यूज़ में, और जी जो चल रहा है वो तकरीबन 25 हज़ार के करीब चल रहा है यूज़ में। नए के प्राइस इसके तकरीबन 22 हज़ार रुपये हैं और जी वाले के तकरीबन 34 हज़ार रुपये हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और इसके बराबर में जैसे कैनन मैंने बताया था अभी आपको, इसके यूज़ के प्राइस जो है ये तकरीबन, इसमें भी दो मॉडल हैं, STM है और नॉन STM है। ये मेरे पास इस वक्त STM वाला रखा हुआ है यूज़ में, ये 15 हज़ार रुपये का है, और न्यू इस वक्त जो चल रहा है तकरीबन 20,000 का चल रहा है। ठीक है। और इससे आगे हम जाएंगे तो ये किट लेंस कहलाता है, ये होता है 18-55। सही। अरे ये फोकस से ही कर लें आप। जी, तो ये 18-55 ये किट लेंस कहलाता है, आपका क्लोज अप और आपका ग्रुप के लिए होता है, ये निकॉन का है। और ये तकरीबन हम लोग सेल जो करते हैं वो 6-7 हज़ार रुपये का करते हैं यहाँ पर, और इसके बराबर में यही चीज़ जो है। अच्छा हाशिम भाई, मैं आपकी बात काटूंगा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, ये जो किट लेंस है जी, ये भी वीडियो ब्लर वगैरह और पिक्चर ब्लर वगैरह करता है? नहीं, देखें ये ब्लर नहीं करेगा, ये मैंने बताया ना क्लोजअप के लिए और फैमिली ग्रुप वगैरह के लिए काम आता है आपके। सही। ब्लर सही। के काम नहीं आता, ब्लर में जो करता है वो 50 mm लेंस ही करता है। सही। वही आपको परचेज करना पड़ेगा। अक्सर लोग जैसे पूछते हैं जी कैमरा ले लेंगे तो ब्लर हो जाएगा, कैमरा लेने से ब्लर नहीं होता, उसके साथ लेंस भी ब्लर लेना पड़ेगा आपको 50 mm। सही। और नेक्स्ट हमने रखा हुआ यही 18-55 कैनन का। अच्छा। वही काम है, ये हर कैमरे के साथ कंपनी देती है, और ये किट लेंस कहलाता है, इसका काम वही क्लोजअप और फैमिली ग्रुप के लिए होता है, और इसके प्राइस तकरीबन वही 6-7 हज़ार रुपये हम यहाँ सेल करते हैं। अच्छा। और मतलब इससे आगे चलेंगे तो ये 1750 है। 1750 जी, ये कंपनी का अपना एक अलग कंपनी है, उससे पहले जो हमने जितने भी दिखाए थे वो निकॉन और कैनन कंपनी के थे, ये ट्रैमरॉन कंपनी का है। इसमें दोनों आते हैं, निकॉन भी आता है और कैनन भी आता है, और ये होता है 2.8, एक अपर्चर का होता है साफ, इसमें ये लो लाइट कहलाते हैं। अच्छा अच्छा जैसे अपर्चर 2.8 है तो ये लो लाइट होते हैं, कम रोशनी में भी अच्छा रिजल्ट देगा आपको। और इनके जैसे ये अभी मेरे हाथ में जो पीस है, अगर ये कैनन हो या निकॉन हो, इसके एवरेज प्राइस 25,000 होते हैं। सही। हाशिम भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, मतलब आपका कहने का मतलब ये कैनन में भी लग जाएगा और निकॉन में भी लग जाएगा? नहीं नहीं कैनन में एक ही लेंस जो दोनों में नहीं लगेगा, लेकिन दोनों के माउंट जो है ना वो आते हैं इस कंपनी में। अच्छा, कि आप कैनन खरीदेंगे तो कैनन कह के मांगना पड़ेगा आपको। सही।
और निकॉन खरीदेंगे तो निकॉन कह के मांगना पड़ेगा। अच्छा, ये कौन सा वाला है? ये अभी जो हमारे पास है ये कैनन का है। कैनन का, इसके प्राइस रेंज क्या है? ये 25,000 की रेंज है यूज की। अगर नए की तरफ हम जाते हैं ये 46,000 का है बॉक्स पैक। ठीक हो गया, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। इसकी तरफ आगे जाएंगे ये 75 सॉरी इससे आगे हम जाएंगे तो 2875 है ये। अच्छा 2875 जी। ये भी लो लाइट लेंस है, ये भी 2.8 है। इसमें भी कैनन निकॉन इसी कंपनी का है, टैमरॉन कंपनी का है, कैनन और निकॉन दोनों आते हैं इसमें। वही आपको जो आपको चाहिए वो कंपनी आपको बताना पड़ेगा कि कैनन के लिए चाहिए या निकॉन के लिए। सही। ये यूज़ तकरीबन 30-35,000 का इस वक्त सेल हो रहा है मार्केट में, न्यू 55,000 का ये। सही। अच्छा मैं आपसे ही पूछूंगा, ये भी मतलब जो वीडियो ब्लरिंग और जो ब्लर के लिए इस्तेमाल होता है? इसमें देखें ब्लर हो जाता है, लेकिन जो असल काम 50mm का ब्लर करना है वो ब्लर इसमें नहीं होगा। सही। लेकिन थोड़ा सा ब्लर कर लेते हैं, थोड़ा टेक्निक से इस्तेमाल करें तो ब्लर हो जाता है इसमें। सही। क्या प्राइस रेंज बताया आपने इसके? ये यूज़ में तकरीबन 30-35,000 तक का मिलेगा और न्यू तकरीबन 55,000 का इस वक्त चल रहा है। कैनन निकॉन दोनों मिलेंगे इसमें। ठीक हो गया, नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ये जो है हमारे पास निकॉन कंपनी का है 55200 जी। ये निकॉन कंपनी का, इसलिए सिर्फ निकॉन में ही लगेगा, कैनन में नहीं लगेगा या किसी और कंपनी में। और ये चलता है जूम लेंस कहलाता है, ये आउटडोर के लिए होता है। इसका अपर्चर होता है 5.6। सही। ये ज़्यादा रोशनी में जैसे अच्छा रिजल्ट देता है, कम रोशनी में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा जितना 2.8 लेंस जो कम रोशनी में रिजल्ट देता है। और इसके यूज़ में ही मिलेगा, सो मार्केट में न्यू नहीं है। यूज़ में तकरीबन ये आपको 15,000-18,000 का मिलेगा कंडीशन के हिसाब से। मतलब वही ब्लर वगैरह सब करेगा ये? ये वही बात है कि ब्लर इसमें वो नहीं है, ऑप्शन नहीं है। अच्छा। लेकिन टेक्निक से हम अगर पिक्चर खींचते हैं तो ब्लर हो जाता है थोड़ा बहुत। सही सही सही। असल बेसिक काम इसका जो है वो जूम करना है। जूम करना। जूम के साथ इस वाले में ये है कि थोड़ा सा क्लोजअप भी आप खींच सकते हैं पिक्चर, फैमिली ग्रुप भी खींच सकते हैं। अगर यही चीज़ 55 से ऊपर जाएगी तो आपका क्लोजअप और ग्रुप नहीं बनाएगा वो सिर्फ जूम लेंस कहलाता है। इसमें दोनों काम करेगा, क्लोजअप भी ले लेगा और आपका जूम भी ले लेगा। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलें। नेक्स्ट जो है कैनन का रखा हुआ है हमारे पास, कैनन का अपनी कंपनी का। ये है 18135। सही। 18135 का काम जो है वो जूम भी कर रहा है और वही क्लोजअप जैसे 18-55 वाला काम करेगा, क्लोजअप भी कर लेगा और आपका जो है वो ग्रुप भी बना लेगा और थोड़ा बहुत जूम भी कर लेगा और ब्लर भी कर देगा थोड़ा सा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। प्राइस चेक क्या? प्राइस इसके ये मार्केट में सब 22-25 का अच्छी कंडीशन में चल रहा है। अगर थोड़ा ज़्यादा रफ यूज़ होता है तो 18-17,000 का मिल जाता है। यू आपके पास जो अभी यूज़ जिस कंडीशन में अभी मेरे पास है ये 18,000 का है, जिस कंडीशन का है। इसमें और अच्छी कंडीशन का होगा तो ये 20-25 के दरमियान मिलेगा आपको। ठीक हो गया आशीम भाई जी। नेक्स्ट जो है हमारे पास सी कैनन कंपनी का जूम लेंस है। जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था कि ये 55 की बजाय आगे से स्टार्ट होगा तो ये 75 से स्टार्ट हो रहा है और 300 तक है। सही। तो इसमें जो है आपका ना ग्रुप बनेगा ना क्लोजअप बनेगा। ये आपको जूम लेंस के लिए और आउटडोर के लिए बेहतरीन लेंस है, 5.6 है। सही। तो इस ये लो लाइट में इतने अच्छे काम नहीं करेंगे जितने ये ज़्यादा रोशनी में काम करेंगे अच्छे। तो ये इसके जो है एवरेज प्राइस ऐसा मार्केट में यूज़ ही मिलेंगे ज़्यादातर, नए बहुत कम है मार्केट में। सही। ये तकरीबन 13,000-15,000 तक के कंडीशन में मिलते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा तो आपको 10,000 का भी मिल जाएगा। भाई आपके पास ये जो है ये क्या प्राइस है इसके जो हमारे पास रखा हुआ है? अभी जो हमने रखा हुआ है ये 14,000 का है। 14,000 जी। ठीक हो गया, ठीक। और नेक्स्ट इसके बाद जो है इसी तरह का जूम लेंस है लेकिन निकॉन कंपनी का, और ये 17-300 है। सही। इसका वही काम है जैसे अभी 600 कैनन का 75-300 बताया था, वही जूम करेगा, क्लोजअप नहीं खींचेगा ना ही ये ग्रुप बनाएगा। आउटडोर में अच्छी वो आएगी इसकी पिक्चर्स और इंडोर में थोड़ा सा रिजल्ट वो नहीं आएगा। ये होता ही जूम लेंस है तो आउटडोर के हिसाब से बनाया हुआ होता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और इसके प्राइस इसका जो मेरे पास कंडीशन में ये 20,000 का है। 20,000 जी। और अगर इसमें जैसे अभी मैंने बताया था हल्की कंडीशन का होगा तो ये 15,000 का 16,000 का भी मिल जाएगा आपको। आशीम भाई नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलें। जी नेक्स्ट हमने जो रखा हुआ है सिग्मा एक कंपनी है उसका रखा हुआ है। इसमें भी आपके पास आपको जो है ना इसमें कैनन निकॉन दोनों मॉन्ड मिलेंगे। सही। ये हमने जो अभी रखा हुआ है वो हमने रखा हुआ है 70 से और 300 सत्तर तीन सौ
और इसमें आप अगर कैनन चाहेंगे तो आपको कैनन बताना पड़ेगा हम, तो फिर कैनन का देंगे, आपको निकॉन चाहिए होगा तो निकॉन। और इस वक्त जिस कंडीशन का ये पीस है ये तकरीबन 18,000 का आपको मिलेगा यूज़ में, 18,000 जी। और अगर ज़्यादा चला हुआ होगा तो 15 का भी मिल जाए, शायद 13 का भी मिल जाए कंडीशन के हिसाब से। और इसका भी वही काम है, जूम लेंस है, आउटडोर के लिए बहुत अच्छा लेंस है, ब्लर कर सकते हैं आप उसको टेक्निक से इस्तेमाल करने में, क्योंकि ये बेसिक ये ब्लर नहीं करते लेकिन इसका एक टेक्निक होती है जो हम आपको बता देंगे कि कैसे, कभी कस्टमर कोई आएगा कि किस तरह इसको ब्लर किया जा सकता है इससे। ठीक है, ठीक है। और प्राइस मैंने आपको बता दी है इसके। सही है हाशिम, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इसी तरह का लेंस है, टैमरॉन कंपनी का। अच्छा, ये भी 70 और 300 है, ये भी सेम है, ये दो कंपनीज अलग अलग हैं, बस ये इसमें प्राइस का फ़र्क पड़ जाएगा आपको। इस कंपनी के प्राइस थोड़े कम होते हैं, जैसे आप ये लेंगे आप अच्छी कंडीशन का 15,000 तक का मिल जाएगा, और ज़्यादा यूज़ लेंगे तो 10,000 तक का मिल जाएगा। सिग्मा के प्राइसेस थोड़े ज़्यादा हैं लेंसेज के, और टैमरॉन कंपनी के जो भी लेंस लेंगे उसके प्राइस थोड़े कम होंगे। ये भी मतलब जो जूम वगैरह, वही जूम है, वही 70-300 से स्टार्ट हो रहा है। आउटडोर लेंस है, जूम लेंस है, ज़्यादा रोशनी में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, कम रोशनी में ये होता है कि वो थोड़ा सा रिजल्ट हल्क में फ़र्क आ जाता है। देख रहा हूँ जैसे कि प्रोफेशनल लेंस रखे हुए हमारे व्यूवर जो जैसे होते हैं यूज़ करने वाले बड़े कैमरा वगैरह, तो उनको प्रोफेशनल यूज़ में जो लेंस होता है उसकी आप फुल गाइडलाइन नहीं, जो लेंस रखे हुए मतलब क्या इसके मतलब स्पेक्स होते हैं, किस तरीके से वर्क करता है, ये सारा इसका ज़रा बताइएगा हमारे व्यूवर्स को। जी देखें, इसमें जो ये प्रोफेशनल लेंस होते हैं ना 90% ये 2.8 के लेंस होते हैं जो यूज़ करते हैं ये लोग। आपने अक्सर आपने भी देखा होगा कि जब वो शादी वगैरह में पिक्चर्स ले रहे होते हैं ये लेंस होता है या ये लेंस होता है। ये हमारे पास पहला लेंस जो है वो 70-200 है, 70-200 वही कैनन की अपनी कंपनी का ही है, कैनन में ही लगेगा। और ये दूसरा जो है वो भी 70-200 है, ठीक हो गया। और ये टैमरॉन कंपनी का, इसमें आप जैसे हमें बताएंगे आपके पास बॉडी कौन सी है, कैनन है या निकॉन है, उसके हिसाब से जो है हम फिर लेंस देंगे आपको। एक ही लेंस दोनों कंपनीज में नहीं लगेगा, अलग अलग अमाउंट होते हैं, अलग अलग लेंस लगते हैं। जी ये फोटोग्राफर्स यूज ही इसलिए करते हैं, ये जूम भी करता है, ब्लर भी करता है, और आपका इसके अलावा लो लाइट यानी कि जैसे आप कि शादी वगैरह में इतनी तेज़ लाइट तो होती नहीं है, वहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं 2.8 होने की वजह से। अच्छा, अगर हाशिम इसकी प्राइस की बात करें तो ये प्राइस किस रेंज में मिल जाता है हमें? देखें पहले हम कैनन की बात कर लेते हैं। कैनन अगर ये इस कंडीशन में जो मेरे पास है ये तकरीबन 90,000 का है, ये कंडीशन के हिसाब से अगर इसमें ज़्यादा यूज़ ले लेंगे आप तो ये 70,000 तक चला जाएगा। सही। और नया ये तकरीबन आपका 1.5 लाख से ऊपर का है, और इसमें एक सीरीज़ नहीं है, 3 सीरीज़ हैं, ये तकरीबन आपको 2.5 से 3.25 लाख का भी मिलेगा, लेकिन सीरीज चेंज हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो नेक्स्ट हमने रखा हुआ है ये टैमरॉन कंपनी का है, मैंने बताया था आपको कि इसमें कैनन निकॉन दोनों मिलते हैं, ये टैमरॉन, और ये है 70-200, ये भी है 2.8 है, सेम सारी चीज़ें इसमें वही हैं, लेकिन कंपनी के वजह से इसके प्राइसेस कम है। ये जिस कंडीशन में अभी मेरे पास है ये 50 से 55,000 तक का है। सही। अगर इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ लेते हैं तो ये आपको तकरीबन 40 का भी मिल जाएगा, और इससे बहुत अच्छी कंडीशन का लेते हैं तो ये शायद 60-65 का भी मिल जाएगा। ये नया मार्केट में इस वक्त तकरीबन 80-85,000 रुपये का है इस वक्त। ठीक हो गया। ठीक हाशिम भाई, ये तो आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूवर्स को आपने दी है कि फुल लेंस के हवाले से, सारी लेंस के हवाले से। अब आप जो है ये बताइए कि हमारे जो रेफरेंस चैनल के रेफरेंस आएगा उसको डिस्काउंट वगैरह होगा? जी बिल्कुल डिस्काउंट होगा। देखें इसमें एक चीज़ आती है जो लेंस पे लगती है फिल्टर वगैरह, वो हम गिफ्ट में दे देंगे, क्योंकि उसमें प्राइसेस भी चार्ज होते हैं हमारे पास, और जैसे इसके तो महंगे भी होते हैं काफ़ी, और दूसरे लेंसेज के तकरीबन यहाँ पे 300-350 के बिकते हैं, तो हम वो गिफ्ट में दे देंगे आप अगर कोई आपके चैनल के हवाले से हमसे बात करेगा। ठीक हो गया हाशिम भाई। अब मैं जैसे हर वीडियो में बोलता हूँ कि मेरा एक लाजमी होता है कॉन्टेक्ट नंबर एंड में और एड्रेस शेयर कर दें, क्योंकि जो हमारे नए व्यूअर्स हैं देखने वाले, अब वो पहली वीडियो तो नहीं देखी होगी ना, तो इस वीडियो के थ्रू जो है हम उनको जो है कॉन्टेक्ट नंबर और पूरा कंपनी एड्रेस शेयर कर देते हैं। जी बिल्कुल, हमारा एड्रेस है वसीसंस हकीम सेंटर, अब्दुल्लारून रोड, सदर, कराची, और मोबाइल नंबर मेरा है 0335-3722-991। तो इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी है मेरा उस पर, और कैटलॉग भी बनी हुई अक्सर लें चीज़ें उसमें डली हुई हैं, वहाँ भी चेक कर सकते हैं, और वेबसाइट भी है हमारी WWW वसी सन्स के नाम से। ठीक हो
तो वहाँ भी चेक कर सकते हैं जी। तो फ्रेंड्स, आपने जैसे कि जाना, हाशमी भाई ने हमें जो है बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। देखें, आप लोगों ने जो मुझसे सवाल किया था ब्लर लेंस के हवाले से या कैमरा के हवाले से, ये लेंस ब्लर करता है, तो उसकी हमने आपको जो है फुल इन्फॉर्मेशन दी है। और ये ट्रस्टेड शॉप है, आप आराम से आइए, यहाँ ट्रस्ट करके आइए, आपको बहुत अच्छे रेट में और जो है विद गिफ्ट, जैसे हाशमी भाई ने बताया, हमारी हर वीडियो में ये गिफ्ट वगैरह देते हैं और जो है बहुत अच्छे प्राइस रेंज होते हैं इनके पास। आराम से आप ट्रस्ट करके आ सकते हैं इनके पास और जो है कुछ भी परचेस कर सकते हैं। आप जो है चाहें तो आप जो है चैनल के रेफरेंस भी देंगे तो आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।